अगला सवाल सरफेस टेंशन और फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है. इसमें कहा गया है स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ डेंसिटी डी इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टी. ठीक है, ये ड्रॉपलेट का डेंसिटी डी है और जिस लिक्विड में डूबा हुआ है उसका डेंसिटी रो है, सरफेस टेंशन टी है. देन फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, है ना. अगर ये फ्लोट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो उस ड्रॉपलेट का रेडियस कितना होगा. इसमें दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, नीचे एक ग्रेविटी, ऊपर की तरफ एक बायंसी लगेगा. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का जो सरफेस है वहां पर एक सरफेस टेंशन फोर्स भी लगता है. तो आधा अगर ये डूबा हुआ है, इतना डूबा हुआ है, यहां से सरफेस टेंशन फोर्स है ऊपर की तरफ, जिसका वैल्यू आएगा 2 पाई आर, जो वेटेड पैरामीटर है, इनटू सरफेस टेंशन. इतना फोर्स ऊपर लगेगा. तो चूंकि अभी ये फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी प्लस 2 पाई आर टी इज इक्वल टू एम. बायंसी फोर्स कैसे निकालेंगे, कि ये आधा पोर्शन डूबा हुआ है तो इसी पर बायंसी लगेगा 2/3 पाई आर क्यूब. ये तो हो गया सबमर्ज्ड वॉल्यूम, या कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. ये बायंसी फोर्स हो गया प्लस 2 पाई आर टी. रेडियस एक ही तरीके का ले लेते हैं, ये कैपिटल आर में, ये हो गया. अब इसका जो वेट निकालेंगे, तो इसका डेंसिटी दिया गया था डी, जो ड्रॉपलेट है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू, ये जी कर देंगे तो वेट आ जाएगा. ठीक, तो इसमें 2 पाई आर इंटू टी इज इक्वल टू, इसको साइड में ले जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब जी 2D माइनस रो. देखेंगे यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर कैंसिल होगा, तो यहां पर आर स्क्वायर रहेगा. तो इसमें से आर का वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 3t डिवाइडेड बाय 2d माइनस रो इंटू जी का रूट, क्योंकि यहां पर आर स्क्वायर है, रूट आएगा. देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, इसमें से सेकेंड ऑप्शन जो है यार 3t/2d माइनस रो इंटू जी. तो ये जो ऑप्शन है